हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ अप्लाइड प्रॉब्लम्स। और जो अप्लाइड प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा वो ईएमटी से हैं और सभी कंपटीशन, चाहे ग्रेट नेट पार्क जस्ट के फर्स्ट स्टूडेंट्स हों, चाहे आई टी जेम के, सभी के लिए जो कंसेप्ट मैं डिस्कस करूँगा वो काफ़ी यूजफुल होंगे और निश्चित तौर से कंपटीशन की दुनिया में लाभ देंगे। तो पहली जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ टू कंसेंट्रिक जो दे रखी है प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम नंबर वन है टू कॉन्सेंट्रिक और चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इनसाइड और आउटसाइड और उनके बीच में जो पॉइंट्स होंगे उनके लिए। तो काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें मैं डिस्कस करूंगा। तो पहली प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, टू कंसेंट्रिक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मैं डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ पहले, और डायग्राम है इसका इस टाइप से। ये हमारी चार्ज Q1 इसके ऊपर है और ये रेडियस R1 की है स्फेरिकल सरफेस। ये जो दूसरी सरफेस है उसके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज है Q2 और रेडियस जो है उसकी वो है R2 दिस वन। तो ये जो चार्ज Q2 जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ये इसके ऊपर पूरी की पूरी पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज Q2, और इसकी जो रेडियस है वो है R2। ये हमारी प्रॉब्लम है कि दे आर टू स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं। दिस वन एक चार्ज Q1 का है जो सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है Q1, रेडियस R1 है, और चार्ज Q2 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली जहाँ की रेडियस R2 है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है इनसाइड का पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर और दिस पॉइंट के ऊपर। तो देर आर थ्री पॉइंट्स अप टू विच वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दी पॉइंट्स आर नोटेड बाय द पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो ए बी और सी के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और मैं इसका डायग्राम भी प्लॉट कर रहा हूँ, उसके बाद में इसकी एक्सप्लेनेशंस में पूरी कंप्लीटली डिस्कस करूँगा। तो काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंटों को निश्चित तौर से बेनिफिट देगी और उनकी जो प्रिपरेशन के लेवल को उसको इनरिच करेगी। तो काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स इसमें मैं डिस्कस करूँगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस पे आर है। ये पॉइंट R1 है दिस वन, और ये पॉइंट R2 है। तो ये डायग्राम और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। मैं इसका डिस्कशन दूंगा कि किस तरीका से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। तो जिस तरीका से ये प्रॉब्लम है उसके ऊपर हमें गॉस लॉ अप्लाई करना होगा, और गॉस लॉ में जो हमारा कंसेप्ट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है E.ds Q/ε0। तो ये हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, और हम सब ये भी जानते हैं कि जो ई और डी एस हैं जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया पैरेलल होते हैं तो जो नेट लाइन ऑफ फोर्स है, जो नेट फ्लक्स है, वो पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस से पास होता है। और जो गॉसियन सरफेस होती है उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू होती है वो 1/ε0 टाइम्स होती है नेट चार्ज इनटूज जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो ये इसका कंसेप्ट है जो हमें इसमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करें कि हमें गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना होगा पॉइंट ए के ऊपर। तो पहले हम जैसे हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो गॉसियन सरफेस इस तरीका से हमारी ड्रॉ हो जाएगी, और यहाँ पर इस डिस्टेंस को हम ले लें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आर है। तो इसमें गॉसियन सरफेस में देखेंगे तो कोई भी चार्ज कवर नहीं हो रहा, क्योंकि चार्ज Q1 की जो वैल्यू है, जो चार्ज Q1 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो रेडियस R1 की जो स्फेरिकल कंडक्टर है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसके अंदर क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं जहाँ पर होता है जिस रीजन के अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज इंक्लूज नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। तो जो हमारा पॉइंट ए होगा, पॉइंट ए पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे तो लिखेंगे φe इलेक्ट्रिक फ्लक्स E.ds, और Q हो जाएगा यहाँ पर जीरो, तो E.ds की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। E.ds यहाँ पे जो हम पॉइंट ए लेंगे और गॉसियन सरफेस जो हमने ड्रॉ की है उस गॉसियन सरफेस से पूरे का पूरी लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती है, लेकिन क्योंकि कोई चार्ज इसके अंदर नहीं है तो Q की वैल्यू जीरो होने के कारण नेट फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो गई। अब क्योंकि ये हर कंडीशंस में कंडीशंस ऑब्वियस होनी चाहिए, तो केवल तभी पॉसिबल है जब E की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो। तो यहाँ पर E की वैल्यू जीरो होगी, तो जीरो से लेके R = 0 से लेके और जब तक इस पॉइंट को हम इंक्लोज नहीं करेंगे R1 तक रेडियस तक,
जहां पर चार्ज क्यू वन क्लोज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो जीरो बनी रहेगी। तो ई बराबर जीरो होगा जब आर की वैल्यू जीरो और आर वन के बीच में लाई करेगी, तो ई बराबर जीरो होगा। तो यहाँ पर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से जो हमारा जीरो है पॉइंट, तो यहाँ से जैसे हम सेंटर से शुरू होंगे आर बराबर जीरो से और यहाँ तक पहुंचेंगे तो यहाँ पर कोई भी गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो बनी रहेगी। तो जीरो से लेकर आर वन तक जो है आर वन से लेस देन तक, क्योंकि जैसे ही हम आर वन पर पहुंचेंगे तो तुरंत से ही क्या होगा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज हो जाएगा और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइनाइट आएगी। अगर हम सरफेस पर जाना चाहते हैं आर बराबर आर वन पर कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गॉसियन सरफेस के अंदर जब आर बराबर आर वन हम करेंगे यहाँ पर चार्ज क्यू वन इंक्लोज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेंगे। ई डॉट डी एस में डी एस जो हो जाएगा ई इंटू फोर पाई आर वन स्क्वायर हो जाएगा और फोर पाई आर वन स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो होगी, क्योंकि जो यहाँ चार्ज है पूरा का पूरा इसके लिए ये चार्ज की जो वैल्यू है वो हम देख रहे हैं वो चार्ज है यहाँ पर क्यू वन जो रेडियस आर वन तक है, तो आर वन तक जो चार्ज है क्यू वन है तो यहाँ पे चार्ज क्यू की जगह पर क्यू वन ले लें अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले लें, तो ई की वैल्यू यहाँ पर फाइनाइट आ जाएगी और वो होगी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आर बराबर आर वन के ऊपर। तो ये हमारा जो आर बराबर आर वन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, जो ये पॉइंट है यहाँ पे जो ये वैल्यू है उसकी वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वायर, ये हमारा चार्ज यहाँ पे क्यू वन है तो इसे स्मॉल क्यू वन से दिखा रखा है, मैं भी यहाँ क्यू स्मॉल क्यू वन से दिखाई देता हूँ। फिर हम जाएंगे एक्सटर्नल पॉइंट, जो इसके लिए ये पॉइंट जो बी है यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ से लेकर जब इस पॉइंट पर जाएंगे तो फिर यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस प्लॉट कर देंगे, तो गॉसियन सरफेस में यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, तो जो गॉसियन सरफेस जैसे हम प्लॉट करेंगे तो गॉसियन सरफेस में हम देखेंगे कि गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो जो इसमें इंक्लोज हो जाएगा वो ये वाला चार्ज होगा क्यू वन और एक्सटर्नल पॉइंट जो चार्ज है क्यू टू वो इसमें इंक्लोज नहीं होगा। तो पॉइंट बी के लिए जो ये हमारा पॉइंट बी था जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते थे, तो पॉइंट बी के लिए जब हम गॉस वो लगाएंगे गॉस लॉ तो ये हमारी ये सार हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी हो जाएगी ई इंटू ये पॉइंट बी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ ई इंटू फोर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ई डॉट डी एस जो होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया जो होते हैं वो दोनों पैरेलल होते हैं, तो हमारा ई डॉट डी एस में जब हम खोलेंगे तो उसमें लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा एंड सिंस ई एंड डी एस बोथ आर पैरेलल ऑब्वियसली वी हैव थीटा इज इक्वल टू जीरो और तब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ई डी एस बन जाएगा, और ई क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो ई को हम एक्सप्रेशन से बाहर ले आएंगे और डी एस जो सरफेस एलिमेंट है वो पूरा का पूरा जो रेडियस आर की स्फेरिकल सरफेस है उसका सरफेस एरिया हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर, तो ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो इसके अंदर चार्ज इंक्लोज हो रहा है पॉइंट बी के लिए वो केवल और केवल यहाँ पे जो चार्ज है वही केवल इसके अंदर इंक्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे ये ई हमारा ऑप्टेन हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर ये वैल्यू होगी, और ये जो लाई करेगा ये एक्सप्रेशन कहाँ से कहाँ तक वैलिड रहेगा आर वन से ज़्यादा हो और आर टू से वैल्यू कम हो, तो ये जो आर की वैल्यू है वो आर वन और आर टू के बीच में ये एक्सप्रेशन वैलिड रहेगा। तो इसको हम इस डायग्राम में देखें जैसे जैसे हम यहाँ देखेंगे तो क्यू वन हमारा इंक्लोज हो गया, अब आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती रहेगी, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा आर बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से कम होनी शुरू हो जाएगी। अब हम पहुंचते हैं इस पॉइंट के ऊपर एक्सटर्नल पॉइंट पर, तो जैसे हम यहाँ से लेकर इस पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो चार्ज है वो Q1 के साथ जो अंदर था गॉसियन सरफेस पे चार्ज Q1 ऑलरेडी था सभी A और B के लिए, लेकिन जो पॉइंट C है एक्सटर्नल पॉइंट वहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा जो कवर हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2, क्योंकि गॉसियन सरफेस में अब दोनों चार्ज होंगे Q1 भी और Q2 भी, तो नेट चार्ज की जो वैल्यू होगी पॉइंट सी के लिए वो Q1 प्लस Q2 हो जाएगी, और जब हम गॉसियन सरफेस यहाँ पर प्लॉट करेंगे पॉइंट सी के ऊपर तो रेडियस स्मॉल आर की रेडियस का जैसे हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो हम निकाल पाएंगे ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, और जो नेट चार्ज हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 प्लस Q2, क्योंकि नेट चार्ज जो यहाँ पर कवर हो रहा है गॉसियन सरफेस में वो Q1 भी कवर हो रहा है और ये हमारा Q2 भी कवर हो रहा है, तो Q1 और Q2 क्योंकि दोनों कवर हो रहे हैं Q1 हमारा चार्ज यहाँ पर था
और q2 यहां पे था, तो नेक्स्ट चार्ज जो होगा वो q1 + q2 हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हो जाएगी दिस वन, तो ये हमारे यहां से आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 + q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा जब r की वैल्यू r2 से ज्यादा होगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन से, तो यहां पे हम इसे डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हमारा स्मॉल r की वैल्यू r2 के इक्वल होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से तेजी से बढ़ जाएगा, क्योंकि जो r2 है वो फिक्स है और नेट चार्ज q1 + q2 फिक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 / 4 pi epsilon q1 + q2 / r2 स्क्वायर हो जाएगी पॉइंट r2 के लिए। और जैसे ही r2 से हम आगे पहुंचेंगे तो तब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, क्योंकि स्मॉल r बढ़ता चला जा रहा है और q1 + q2 फिक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरीके से फिर डिक्रीज होगी। तो ये डायग्राम प्लॉट करना सीख लें, इसके अलावा यहां पे गॉसियन सरफेस प्लॉट करना सीख लें, तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी यूजफुल ये कांसेप्ट है। इसके तीनों एक्सप्रेशंस याद रख लें कि हमारा r बराबर r1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ये हमारा r बराबर r1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, r जब r 0 और r1 के बीच है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, ये भी रिमेंबर रखें। साथ-साथ जब हमारा स्मॉल r की वैल्यू r2 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये कितनी होगी उसको भी याद रखें, साथ-साथ इसको ड्रॉ करना भी सीखें। तो काफी महत्वपूर्ण और काफी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट मैं इसमें डिस्कस कर रहा था। साथ-साथ ये भी याद रखें कि ये हमारा टू कंसेंट्रिक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर का केस है, मैं इस क्वेश्चन को 3 के लिए कैसे इसे बढ़ा सकता हूं, तो इसके कांसेप्ट को मैं फर्दर आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। अगर हमारा क्वेश्चन से 2 की बजाय 3 के लिए आ जाता है तो यहां पे क्या कर सकता है कि 3 यहां पे दे देगा 3 कंसेंट्रिक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, एक की जो चार्ज रेडियस है वो r1 है, दूसरे की r2 है और तीसरे की r3 है, और पूछता है कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं किस पॉइंट के ऊपर कैसे-कैसे हमारा होगा। तो इसे होमवर्क में सॉल्व करें, मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं कि यहां पे 3 क्वेश्चन में पूछ सकता है कि 3 चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिनके सेंटर सेम हो, और पूछता है कि जो रेडियस है उनकी वैल्यू दे देगा r1 r2 और r3 और इन पे चार्ज बता देगा q1 q2 और q3। उसके बाद पूछता है कि अगर r की वैल्यू स्मॉल जो स्मॉल r पॉइंट है सेंटर से अगर वो r1 से कम दूरी पे है जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, r की वैल्यू जब r1 और r2 के बीच में तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, r की वैल्यू जब स्मॉल r की वैल्यू r2 और r3 के बीच है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और जब r की वैल्यू r3 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीका के कांसेप्ट जो है उसे आगे फर्दर बढ़ाना जारी रखें। साथ-साथ ये भी कर सकता है कि जो चार्ज है उनको अल्टरनेट चेंज कर सकता है, जैसे क्वेश्चंस में कह सकता है कि जो रेडियस r1 का है वहां पे चार्ज q1 है, r2 वाला जो है उसकी उसका जो चार्ज है वो माइनस q2 है, r3 का चार्ज प्लस q3 है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कांसेप्ट को समझ लें और कांसेप्ट को अप्लाई करना शुरू रखें, इस तरीके की अप्लाइड प्रॉब्लम्स पर काम करें तो आपको काफी लाभ मिलेगा इनके कांसेप्टों पे। साथ-साथ ये भी याद रखें कि जब कोई गॉसियन सरफेस हम प्लॉट करते हैं तो ये मानते हैं कि जो चाहे गॉसियन सरफेस जैसे ही हम लिखते हैं तो ये याद रखें कि उसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो पूरा का पूरा जो हमारा गॉसियन सरफेस से पास होता है, और गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज हमारे गॉसियन सरफेस से बाहर अगर चार्ज होता है तो वो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो ये कांसेप्ट जो है वो काफी आपके लिए यूजफुल होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। लगातार क्वेश्चंस इस पोर्शन से पूछे जाते रहते हैं कंपटीशंस की दुनिया में, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया उसे निकालने का प्रयास करेंगे और जो अभी ये ड्रॉ किया था कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आर के लिए इसे पूरा का पूरा समझेंगे अच्छे से, तो आपको निश्चित तौर से बेनिफिट मिलेगा। और याद रखिए कि जो कंपटीशंस है उसमें अप्लाइड प्रॉब्लम्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि कंपटीशंस जो आजकल जिस तरीका का हो गया है उसमें जो क्वेश्चंस हैं ज्यादातर वो अप्लाइड पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको क्वेश्चंस के ऊपर ही जाके अप्लाई होना होगा। और याद रखें कि जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके आसपास की चीजें सोचना शुरू करें, जैसे मैंने अभी 2 के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया तो अगर 3 हो कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर तब हम कैसे सॉल्व करें, चार्ज अगर पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट चेंज होते हैं तब कैसे करें, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हम करके रखेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है कंपटीशंस क्वालिफाई करना। तो काफी महत्वपूर्ण और काफी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट मैं इसमें डिस्कस कर रहा था, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि लगातार क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते रहें, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में देख रहा हूं
लगातार इस टाइप की प्रॉब्लम्स रेगुलर पूछी जाती हैं। क्या कहता है क्वेश्चंस के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें देता है और इलेक्ट्रिक फील्ड देने के साथ साथ सरफेस एरिया देता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पूछता है। जैसे क्वेश्चंस इस टाइप का मैंने कंपटीशंस में रेगुलर इंटरवल पर देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 4x + 8y + 3z। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी और पूछ लिया कि हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है हमें सरफेस एरिया दे रखा है, एरिया वो दे रखा है 100 यूनिट्स और साथ साथ दे रखा है लाइन इन द एक्स वाई प्लेन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, काफ़ी बार इस तरीका के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें डिस्कस करना चाहूँगा। याद रखें कि जब भी इस तरीका का क्वेश्चन आए, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, एरिया देता है और हमसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, तो याद रखें कि जो क्वेश्चन है उसमें एरिया की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। याद रखें कि जो एरिया है वो अगर हमारा एक्स वाई प्लेन है तो एरिया की जो डायरेक्शन है वो जेड कैप पे जाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे हमारा क्या है कि ये हमने कोई सरफेस ले ली और ये हमने एक्स एक्सिस ले ली और इधर हमारी वाई एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस पे इसे यूनिट कैप आई में दे दिया और वाई जो है वो हमने उसे जे कैप से दिखा दिया। अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करें, तो एरिया जो हमारा होगा इसमें छोटा सा सेगमेंट ले लें पहले, उसका एरिया कैसे ले, ये डी एक्स ले लें और ये हमारा डी वाई ले लें। तो इसका जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उसे कैलकुलेट करने के लिए डी ए जो होगा उसे देंगे डी ए इक्वल टू डी एक्स आई कैप मल्टीप्लाइड बाई डी वाई और जे कैप। तो ये हमारा एरिया होगा डी ए, और डी एक्स डी वाई और आई क्रॉस जे जो होगा वो हो जाएगा के कैप। तो आई क्रॉस जे जो होगा यूनिट वेक्टर, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है, तो डी एक्स डी वाई और के कैप। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन के अंदर जो एरिया की डायरेक्शन है मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूँ, एक्स वाई अगर प्लेन है तो एरिया की जो डायरेक्शन जाएगी वो जाएगी जेड कैप में, अगर हमारा वाई जेड प्लेन है तो एरिया जो जाएगा वो जाएगा हमारा एक्स कैप में, और अगर हमारा जेड एक्स है प्लेन तो एरिया जो जाएगा वो जाएगा वाई कैप में। तो ये हमें सबसे पहले देखना है, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब भी हम इस तरीका का क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को अप्लाई करें। मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि अगर हमारा एक्स वाई प्लेन है तो एरिया जेड कैप में जाता है। याद रखें कि एरिया जो होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि जो वॉल्यूम होता है वो हमारा सूडो स्केलर होता है। तो ये भी याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। अगर एक्स आई और वाई जे से हम देखें कि अगर हमें इसका पता हो ये कोऑर्डिनेट एक्स है ये वाई है और ये आई जे के यूनिट कैप हैं, तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो हमारा इस पूरे का जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा एक्स वाई और आई क्रॉस जे जो है वो के टाइप हो जाएगा। तो इस टाइप से हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू लिखनी होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमें लिखना होगा ई डॉट एरिया। तो ई डॉट एरिया का मतलब यह होगा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में इनकी इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन पता होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ई जैसे हमने यहाँ पे बताया कि दिस वाज द वैल्यू ऑफ ई, तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख दें 4x + 8y + 3z। याद रखें कि यूनिट वेक्टर के लिए हम आई जे के यूनिट वेक्टर भी यूज करते हैं और एक्स कैप वाई कैप जेड कैप भी यूज करते हैं। तो ये हमारे यूनिट वेक्टर के लिए हम इनके लोकेशंस लेते हैं, डॉट एरिया जो है उसकी डायरेक्शन हमने कैलकुलेट कर ली है क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो 100 है, तो यहाँ पे देखते हैं 100, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और फिर इसकी डायरेक्शन ले लें और डायरेक्शन है इसकी के कैप, ये हमारी वैल्यू होगी। तो 100 इधर से आ जाएगा, दिस वन 100 × 3, और यहाँ से के कैप और जेड कैप का मतलब सेम है क्योंकि जेड कैप को भी हम यूनिट वेक्टर लेते हैं जेड एक्सिस पे और कई बार हम के कैप से भी लेते हैं, तो दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ से के कैप को मैं जेड कैप भी ले सकता हूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी 300 और जेड कैप डॉट जेड कैप, तो के यूनिट कैप को रिप्लेस करते हैं जेड कैप से, तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आ जाएगी 300। तो आंसर इसका हो जाएगा 300। अगर इसी क्वेश्चन में एक्स वाई प्लेन की जगह पर वो कह देता है वाई जेड प्लेन हमें देना है तो कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो वाई जेड अगर ले लेता है तो फिर हमें एक्स कैप में जो है वो एरिया की डायरेक्शन होगी, तो जो 4 इंटू
100 है वो इसका आंसर 400 हो जाएगा। उसी तरीका से हमारा अगर जेड एक्स प्लेन की बात करता तो फिर 8 × 100 आ जाएगा, तब आंसर हमारा 800 आ जाएगा। तो इस कंसेप्ट को भी याद रखें, साथ साथ इस एरिया कंसेप्ट को भी याद रखें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये थे जो मैं डिस्कस कर रहा था। आगे कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो लगातार देखते रहें और कंसेप्टों को सीखते रहें। ये सभी स्टूडेंट को निश्चित तौर से बेनिफिट देंगे आगे और कंपटीशंस की दुनिया में निश्चित तौर से हेल्प करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।